अगर आप भी इंडिया में आईकू का Z6 लाइट डिवाइस यूज करते हो तो इस वाले डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड 13 अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वाले डिवाइस को मिल चुका है एंड्रॉइड 13 अपडेट, जो कि आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। एंड्रॉइड 13 अपडेट करके आपको दिखाएंगे एंड साथ ही साथ आपके फ़ोन में क्या कुछ चेंजेस होने वाला है आईकू Z6 लाइट डिवाइस में, एंड्रॉइड 13 में क्या क्या नया फीचर देखने को मिलेगा, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले तो दिखा दूं, मेरा ये फ़ोन आईकू Z6 लाइट है, तो सबसे पहले आपको अबाउट फ़ोन में ले जाके दिखा देते हैं। देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है आईकू का Z6 लाइट 5G है एंड यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है एंड्रॉइड 12 पे रन कर रहा है एंड इस पे एंड्रॉइड 13 अपडेट भी आ चुका है। तो चलिए फटाफट से इस अपडेट को करते हैं एंड आप इस वीडियो को एक लाइक करो। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आईकू के वीडियोस हमारे चैनल में बहुत सारे आते हैं। चलिए इस वाले अपडेट को फटाफट से कर लेते हैं एंड देखते हैं एंड्रॉइड 13 में क्या कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो गाइज ये देख सकते हो, ये है वो अपडेट जो कि 4.75 GB का अपडेट है एंड मेरा ये जो डिवाइस है मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप अबाउट फोन में चलोगे तो देख सकते हो फ्रंट टच ओएस 12 मेरे फ़ोन में है एंड एंड्रॉइड 12 का मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो ये अपडेट फाइनली मेरे को रिसीव हुआ कुछ ही दिन पहले, अभी हम जो वीडियो में बना रहे जा रहा हूँ पूरा फुल रिव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है, टास्क मैनेजर, नोटिफिकेशन वगैरह बहुत कुछ चेंज होंगे एंड आपको फ्रंट टच ओएस 13 भी देखने को मिलेगा विथ एंड्रॉयड 13। देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। तो चलिए बराबर से इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं, बट उससे पहले एक सलाह देना चाहता हूँ, अपने फ़ोन को लगभग 100% या फिर 80% चार्ज रखना, ताकि जब भी अपडेट हो उस टाइम पे फ़ोन पे चार्ज रहे, नहीं तो चार्ज अगर खत्म हो जाएगा अपडेट के दौरान आपका फ़ोन खराब भी हो सकता है। तो इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लो। तो फाइनली हम लोगों ने इस अपडेट को कंप्लीट किया। वैसे बहुत ही बड़ा अपडेट था 4.75 GB का एंड फाइनली अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड हो चुका है एंड्रॉयड 13। मैं आपको एक बार जाके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले देख लो कि भाई कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। वैसे तो इनिशियली कोई चेंजेस नहीं हुए, बट मैं आपको एक के बाद एक सब दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले सेटिंग के अंदर चलते हैं एंड अंदर चलोगे तो यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन आपको ऊपर में वैसे भी देखने को मिल जाएंगे जो कि पहले नहीं थे, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे चलेंगे अबाउट फोन पे, चेक करो तो यहाँ पे आपको फ्रंट टच ओएस 13 देखने को मिलता है। इससे पहले 12 था, मैंने आपको दिखाया था एंड यहाँ पे फाइनली देख सकते हो अपने फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 13 इंस्टॉल्ड हो चुका है एंड ये वाला जो फीचर है ना, ये मुझे बहुत सही लगता है। देखो ये एंड्रॉयड 13 के अंदर ही आपको दिखेगा, ये देखो आप कलर चेंज कर सकते हो अभी, जो कि एंड्रॉयड 12 पे नहीं था। तो ये चीज़ बहुत मज़ा आता है एंड साथ ही साथ और भी कुछ फीचर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुआ है। पहली तो बात है कैमरा ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो भाई अभी एक ग्रीन टाइप का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। फोटो में जाओगे या फिर वीडियो में जाओगे तो कहीं पर जाओगे ये ग्रीन टाइप का, ये जो सैमसंग के फ़ोन्स में आते थे वैसा ही देखने को मिलेगा। और दूसरा बात यह है कि जो फ्रंट है कैमरा ऐप का वो चेंज हो चुका है। देखो ये जो 1x 2x वाला जूम ऑप्शन था, ये टोटली चेंज है भाई, इसका फ्रंट चेंज हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे एक AI ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप मोर पे चलोगे तो यहाँ पे आपको देखो अलग अलग तरीके के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहले स्लोमो मिडिल पे था, अभी साइड में आ चुका है एंड कुछ कुछ चीज़ें चले गए हैं, यहाँ से मूव कर दिए गए। आप चाहो तो इसमें एडिट करके ऐड कर सकते हो, देखो यहाँ पर आ चुका है सब कुछ। इसके अलावा टोटली चेंज अगर देखना है तो सेटिंग पे क्लिक करोगे तब आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे टोटली चेंज हो चुका है एंड अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। इस बार वाटर मार्क भी मिल रहा है, स्टेबिलाइजेशन का एक अलग ऑप्शन दे दिया गया है, फोटो स्टेबिलाइजेशन, ये कुछ अलग ही लगा मेरे को। इसके बाद अगर आप देखोगे वीडियो मोड पे तो यहाँ पे देखो आपको रिजोल्यूशन में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी आप 60fps 30fps का अलग स्विच इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी यार एंड्रॉयड 13 के अंदर आपको बहुत सारे और भी चीज़ देखने को मिलेंगे। जो मल्टीटास्किंग है वो बहुत फास्ट हो चुका है पहले के मुकाबले एंड यहाँ पे अभी अगर आप 120Hz पे इस फ़ोन को इस्तेमाल करोगे तो यार अलग ही मज़ा आपको देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ के बारे में बात की जाए तो मैंने कुछ ही टाइम पहले इसको इंस्टॉल किया, तो अभी बैटरी लाइफ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। बाकी इस फ़ोन के अंदर बैटरी लाइफ मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा था एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से, तो मेरे को बैटरी लेके कोई शिकायत नहीं है। बाकी फुल चार्ज किए हुए
हुए मेरे को लास्ट 7 मिनट हुए हैं, अभी इसका बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हो 7 मिनट में 5% चार्ज गया है ड्यूरिंग अपडेटिंग टाइम में। तो अपडेट टाइम में थोड़ा सा चार्ज गया है, बाकी इसका चार्जिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, मेरे को 1.5 घंटा तक लगता है इसको फुल चार्ज करने में। एंड यहाँ पे आप रैम यूसेज वगैरह भी देख सकते हो, जो कि एक अलग यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है अपडेट के बाद से। सो इस अपडेट में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुए हैं, आप अगर ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे और भी चीज़ें मिलेंगी। लाइक मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि यार ये एंड्रॉयड 13 में क्या क्या चीज़ ऐड हुए हैं एंड एंड्रॉयड 13 के बाद आपका फ़ोन कैसा देखने को लग रहा है। आपको और एक चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ, अगर वॉलपेपर सेक्शन में चलोगे तो आपको थीम्स ऐप यहाँ पे चले जाना पड़ेगा एंड थीम्स ऐप को आप ओपन करोगे तो आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स कुछ अलग ही देखने को मिलता है। ये पहले नहीं थे, अभी ऐड किए गए हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, आप टैप करके रखोगे वॉलपेपर पे जाओगे, देखो ये वाले जो वॉलपेपर्स थे ये पहले नहीं थे, ठीक है। ये देखो ये एक नया ऐड हुआ है एंड इसी के तरह और भी 2-3 ऐड हुए हैं एंड्रॉयड 13 के अंदर। तो ये नए नए वॉलपेपर्स आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो पहले ही था एंड आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, जो कि थीम स्टोर में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो ये भी कुछ कुछ नए फीचर्स है इस अपडेट के बाद से आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है पहले से, अगर आप चेक करोगे तो। मैं जब इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग किया था उस टाइम मैंने चेक करके दिखाया था, बट एंड्रॉयड 13 के बाद से ये बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है। बाकी आप एंड्रॉयड 13 के बाद यहाँ पर जो आपको स्लाइड बार मिलता है, जो पावर ऑन ऑफ बटन दबा के आता है, तो यहाँ से जो अलग अलग ऑप्शंस है वो भी थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे। देख सकते हो इनके एनिमेशंस वगैरह सब कुछ चेंज हो चुके हैं और अभी अलग ही टाइप का लग रहा है देखने में। अगर आप इन बटन्स को दबाओगे तो इस टाइम आपको ऐसा टाइप देखने को मिलेगा। बाकी यार आप मुझे बताना है एंड्रॉयड 13 अपडेट में आपको और कुछ मिला है कि नहीं आईक्यू Z6 लाइट 5G डिवाइस के अंदर। ये एक वीडियो था जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने दे दिया। एंड अगर आपके पास भी ये अपडेट आया है तो तुरंत कर लो, बहुत ही बढ़िया अपडेट है एंड इंडिया में लगभग सभी लोगों को आई थिंक मिलने वाला ये वाला अपडेट। एंड एंड्रॉयड 13 फाइनली आईक्यू Z6 लाइट डिवाइस के ऊपर आ चुका है। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है इस फोन के रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए गाइज मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और एक लेटेस्ट वीडियो में आईक्यू Z6 लाइट डिवाइस को लेकर बहुत ही जल्दी। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।